अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्षम न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को भले अलग कर लिया है, लेकिन याचिका लगाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने अपनी याचिका न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ की बजाय किसी अन्य पीठ को सौंपने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने यह मांग इसलिए की थी क्योंकि उनको न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की आशंका थी। ममता ने न्यायमूर्ति चंदा के बारे में कहा था कि वह भाजपा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक रहे हैं, इसलिए निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। इस बात का न्यायमूर्ति चंदा ने खंडन भी कर दिया है। यह मामला भविष्य के लिए उदाहरण के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि नेता न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाएं, क्योंकि इससे जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता है। हम आपको बता दें कि न्यायमूर्ति चंदा ने ममता बनर्जी की अर्जी पर 24 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति चंदा ने कहा कि इस अर्जी से पहले उनके फैसले को प्रभावित करने का जानबूझकर एवं सोचा समझा प्रयास किया गया। न्यायाधीश को फैसले से अलग करने की मांग जिस तरह से की गई उसे देखते हुए न्यायमूर्ति चंदा ने ममता बनर्जी पर जुर्माना लगाया और कहा कि जुर्माने की रकम 2 हफ्ते के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में जमा करवाई जाए। अपने आदेश में न्यायमूर्ति चंदा ने कहा, सुनवाई से अलग करने की मांग को लेकर इस तरह के सोचे समझे मनोवैज्ञानिक और आक्रामक प्रयास का सख्ती से प्रतिरोध करना आवश्यक है और याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। न्यायमूर्ति चंदा ने ममता बनर्जी की चुनाव संबंधी याचिका को अपनी अदालत से हटा दिया। मामला अब किसी दूसरी पीठ को सौंपने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को भेजा जाएगा। इस बीच पहले ही पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा इकाई में असंतोष से जूझ रही कांग्रेस का सिरदर्द बिहार कांग्रेस ने भी बढ़ा दिया है। पार्टी की बिहार इकाई के कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश कांग्रेस समिति में संभावित बदलावों को लेकर अपनी राय दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के आवास 12 तुगलक लेन पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करने वाले नेताओं में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद, वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह, निखिल कुमार, अवधेश सिंह, अशोक राम, अनिल शर्मा और अजीत शर्मा शामिल थे। पार्टी के एक नेता ने बताया, इन नेताओं ने बिहार कांग्रेस में संभावित बदलावों को लेकर राहुल गांधी के समक्ष अपनी राय रखी है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक और विधान परिषद सदस्य भी राहुल गांधी से मिले। हम आपको बता दें कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी और वामदलों के साथ गठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई थी। आरजेडी और वामदलों के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। इसके बाद से ही बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर चर्चा है। पार्टी की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार ने इस संबंध में मीडिया से बात की, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बिहार में जो कांग्रेस है उसे कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे वहाँ की राजनीति में, वहाँ पर इस समय बहुत ही जो मुख्यमंत्री है उनसे संभल नहीं रहा है, तो कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस विषय पर चर्चा हो, इस विषय पर वो राय जान रहे हैं। क्या कांग्रेस संगठन में बदलाव की बात हो रही है मैडम, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है बदलाव? इस विषय में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बिहार कांग्रेस को लेकर के राय जानना चाह रहे राहुल जी, तो इसीलिए सब जितने वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर आए। इसी बीच कांग्रेस टूट की भी खबर आ रही थी कि नीतीश कुमार के संपर्क में तमाम विधायक हैं कांग्रेस के। मैडम नहीं, सब अलग भी मिल रहे हैं, कुछ इकट्ठा भी मिल रहे हैं, कई तरह के फॉर्मेट है। टूट की भी खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार के संपर्क में, बताया जा रहा है कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हीं को लेकर मुद्दे पे बात हो रही है, ऐसी कोई चक्कर ऐसी। दूसरी ओर बेहतरीन अदाकारी से विभिन्न किरदारों को अविस्मरणीय बना देने वाले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन को शोकाकुल हुए बॉलीवुड ने सिनेमा के एक युग का अंत करार दिया है।
हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर 98 वर्षीय दिलीप कुमार पिछले मंगलवार से मुंबई स्थित हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती थे, जहां बुधवार सुबह उनका निधन हो गया। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मनोज वाजपेयी सहित कई शख्सियतों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी लिखा जाएगा वह हमेशा दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद होगा। उनकी आत्मा की शांति के लिए मेरी दुआ और परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करता हूं। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, दुनिया के लिए कई हीरो हो सकते हैं, लेकिन हम अभिनेताओं के लिए केवल वही एक हीरो थे। दिलीप कुमार सर सिनेमा जगत का एक युग भी अपने साथ ले गए। परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ओम शांति। अजय देवगन ने दिलीप कुमार के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, दिग्गज अभिनेता के साथ कुछ पल बिताए, जिनमें से कुछ बेहद निजी थे तो कुछ सार्वजनिक, लेकिन इस पल के लिए कोई तैयार नहीं था। एक संस्थान, एक शाश्वत अभिनेता, दिल टूट गया है। सायरा जी के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। अभिनेता मनोज वाजपेयी ने भी दिलीप कुमार के निधन पर दुख व्यक्त किया और लिखा, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, यहाँ से आगे का आपका सफर अच्छा हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, रवीना टंडन, तापसी पन्नू, सनी देओल, सोनू सूद, निमरत कौर, फिल्मकार हंसल मेहता, सुभाष खई जैसी फिल्म जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। मैंने अपना भाई खो दिया है, वो सबों से भी ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। पहली मुलाकात में ऐसे लगा कि हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। कमी तो होगी, उनकी यादों के सहारे जिएंगे ना। बहुत दुख का दिन है। सवेरे जब ये न्यूज़ आई कि दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनका परफॉर्मेंस, उनका जो कला, हमेशा जनरेशन याद रहेगा। इतने सालों से हमने देखा है उनका अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की बात कहो, नया दौर, मेला, दीदार, मुगले आजम, फिर बैराग, विदाथा, कर्मा, सौदागर, ये सब पिक्चर, शक्ति, कितनी बार मैंने देखी, मुझे याद भी नहीं है कि इतना अच्छा उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और जब आज जब ये न्यूज़ पता चली तो बहुत दुख हुआ। और मैं पिछले लास्ट टू लास्ट वीक भी यहाँ पे सायरा जी को मिलके गया था अस्पताल में, मैं हालचाल पूछने के लिए, और आज बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे साथ नहीं रहे। एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि दिलीप साहब हमेशा जनरेशन, आगे की जनरेशन को याद रखेगा, उनके परफॉर्मेंस से वो इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेगा हमेशा। आज एक संस्था का अंत हो गया, एक युग, सिनेमा का एक युग खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब दिलीप साहब जैसा कोई कलाकार हिंदी सिनेमा में, हिंदुस्तान में जन्म लेगा। हम सब लोग उनके मुरीद थे। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि उन्होंने एक फिल्म हमारे साथ प्रोड्यूस की थी आखिरी समय में, और मैं बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ बिताया, बहुत सारी यादें उनके साथ रही। फिल्म का नाम था अब तो वंजा सजनवा, हमारी आउटडोर शूटिंग पर भी आया, और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था, और बहुत सारी चीजें उन्होंने सिनेमा को लेके, एक्टिंग की बारीकियों को लेके हमेशा मुझसे डिस्कस की। इनफैक्ट इवन परिवार को लेके भी, कि कैसे एक कलाकार को परिवार को, फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को लेके चलना चाहिए, कैसे एक आप हीरो होते हैं तो कैसे आप समाज को भी एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें। ये मेरे लिए बहुत आज ये पर्सनल लॉस है। हम आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार ने 1944 में ज्वारभाटा फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने 5 दशक लंबे करियर में मुगले आजम, देवदास, नया दौर तथा राम और श्याम जैसी अनेक हिट फिल्में दी। वह आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में नजर आए थे।